हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में लेकर जड़ से मकान। जैसे कि आप मार्केट में ढूंढते रहते हैं कि 50 गज का एक इंडिपेंडेंट हाउस आपके बजट में आपको मिले और खूबसूरत सा हो, जिसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी हो, कलर पेंटिंग भी अच्छी हो, फॉल सीलिंग वगैरह मिल जाए, मॉडुलर किचन मिल जाए, आपको बड़े बड़े बाथरूम मिल जाए और बड़े बड़े बेडरूम मिल जाए, तो ये वीडियो दोस्तों आज आपके लिए ही खास होने वाली है। 50 गज का बना हुआ डुप्लेक्स विद कार पार्किंग जड़ से मकान रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों, लोनेबल है दोस्तों। रजिस्टर्ड तो ये है ही ऑलरेडी और लोन भी यहाँ पर आप अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करवा सकते हैं दोस्तों। लोनेबल है, मात्र 10 से 15 लाख रुपए भी देकर आप अपना आशियाना जैसे कि आप बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस कोई ढूंढ रहे हैं तो वो ले सकते हैं अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लोन पर भी आप अपनी ये प्रॉपर्टी दोस्तों खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी किस लोकेशन में रहने वाली है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी आपको लोकेशन क्या मिलेगी आपको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर दोस्तों, हमेशा की तरह मोहन गार्डन की लोकेशन में, मोहन गार्डन में दिल्ली के अंदर आपको जो है ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेट्रो आपको यहाँ से जो है नियर बाई मिलने वाली है। मेट्रो आपकी जो है यहाँ से द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन नेट 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाता है। गली से बाहर निकलते आप घर से बाहर निकलेंगे तो ई रिक्शा आपके घर से बाहर निकलते ही आपको दोस्तों मिल जाएगा, जो कि 10 रुपये लेगा और आपको द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचा देगा। दोस्तों द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन सबसे नियर बाई आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये मकान जो है 2 साइड दोस्तों ओपन रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। इसमें आपको मैं इस मकान का प्राइस और इसकी जो है डायमेंशन वगैरह वो सारी दिखाऊंगा, गली का भी दिखाऊंगा, लोकेलिटी दिखाऊंगा दोस्तों। बेहद खूबसूरत शानदार बना हुआ ये 50 गज का जड़ से मकान आपको दोस्तों मिलने वाला है। फ्रंट की हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रंट देखिए, इसमें आपको बहुत खूबसूरत बड़े साइज़ का मिल जाता है। इसमें फ्रंट आपका जो रहने वाला है 23 फीट का रहने वाला है, यानी कि 23 का आपका फ्रंट आपको दोस्तों यहां पर दोस्तों देखने को मिल जाता है। 23 का फ्रंट जिसमें आपको एक कार पार्किंग मिल जाएगी, नीचे आपका 1 रूम सेट मिल जाएगा विद आपका बाथरूम और उसके बाद एक मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि ये जो हाउस है 2 साइड ओपन रहने वाला है। 2 साइड ओपन आपका ये इंडिपेंडेंट हाउस 23x20 में बना हुआ जड़ से मकान, ज़मीन से छत तक आपका अपना खुद का जड़ से मकान, अपना घर जमीन से छत तक दोस्तों ये रहने वाला है। अभी हम जो रूफ़ से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने इंट्रो स्टार्ट किया है वो रूफ़ से स्टार्ट किया है। रूफ़ पर प्रॉपर आपको टाइल वर्क दोस्तों हम लोग पूरा करवा के दे रहे हैं। वुडन स्टाइल में आपको यहाँ पर टाइल वर्क दोस्तों देखने को मिलता है। पानी से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने लिए, अभी आप जानते हैं कि रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश का जो है बहुत जो है बवाल इस टाइम रहता है, बारिश आती है तो सीलन आ जाती है, ये वो परेशानी बहुत सारी रहती है। बट यहाँ पर इस हाउस में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि रूफ़ कर आपको जो है रूफ़ के ऊपर यहाँ पर प्रॉपर टाइल वर्क, वुडन स्टाइल में प्रॉपर टाइल वर्क आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसका फ्रंट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फ्रंट जो मैंने आपको बताया कि 23 का रहने वाला है और इसकी जो लेंथ है 20 की रहने वाली है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं अपनी बालकनी पर खड़ा हूँ, कैमरे का डिस्टेंस काफ़ी आगे है तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कार पार्किंग के साथ आपका अपना ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी लोनेबल दोस्तों, 50 गज का बना हुआ जड़ से मकान दिल्ली की लोकेशन में आपको जो है दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको फ्रंट दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों उसके लिए एक लाइक कर देना और इस हाउस के लिए जो है कमेंट इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों छोड़ देना। न्यूली बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं आपको इसके फ्रंट पर और इसका गली का व्यू, आगे का और बैक साइड का जो है दोनों साइड का दिखाया जाता है, क्योंकि ये हाउस जो है हमारा 2 साइड ओपन रहने वाला है। सो दोस्तों अभी आ चुके हैं गली के बाहर, ये हमारा गली का व्यू रहने वाला है दोस्तों। गली आपको काफ़ी वाइड यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। गली के मैं एक बार स्ट्रीट की आपके साइज़ की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो है 15 फीट की गली आपके फ्रंट पर रहने वाली है और बैक साइड की जो गली है 10 फीट की मिल जाती है। 2 साइड ओपन आपका जो है ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दिल थाम के जो है बैठ जाइए दोस्तों, दिल थाम के बैठेंगे तो अच्छी वीडियो है दोस्तों। पूरा हाउस आप देख पाएंगे, हाउस भी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, बेहद खूबसूरत बड़े फ्रंट का आपका जो है ये 50 गज का बना हुआ डुप्लेक्स विला, जैसे कि आप ढूंढ रहे हैं दिल्ली की लोकेशन में आपका एक अपना जड़ से मकान जमीन से छत तक हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। गली का व्यू आपने देख लिया, हमारी पूरी गली जो है काफ़ी वाइड रहने वाली है। सामने आपकी जो है एक उस साइड में मेन रोड रहने वाली है, एक बार बैक साइड में नज़र लगाते हैं तो एक मेन रोड आपकी जो है इस पोर्शन में रहने वाली है। सामने से आपको ऑटो इस जो है रिक्शाज वगैरह वो आपके इस रोड से रहने वाली है, ये कमर्शियल रोड आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब एलिवेशन की हम लोग बात कर लेते हैं तो एलिवेशन देखते हैं।
ये हमारी एलिवेशन रहने वाली है इस हाउस की। एलिवेशन देखिए, तो सबसे पहले आपको वाइट गेट मिल जाता है और उसके बाद पूरा प्रॉपर आपको जो है यहाँ पर टाइलिंग वर्क आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। पूरी एलिवेशन के ऊपर आपको यहाँ पर टाइल वर्क देखने को मिल जाता है दोस्तों। आपकी जो है ऊपर की साइड के जो है दो रूम आपको ऊपर मिल जाते हैं, एक प्लस एक लिविंग एरिया मिल जाता है, बालकनी आपको मिल जाती है, ऊपर एक मॉड्यूलर किचन मिल जाता है और आपको एक वॉशरूम भी ऊपर की साइड में मिल जाता है। अब नीचे की साइड में आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर काफ़ी वाइड गेट मिलता है दोस्तों, आयरन का जो है आपको गेट काफ़ी बड़े साइज़ का मिल जाता है कार पार्किंग के लिए। MS का गेट मिलता है, काफ़ी वाइड रहने वाला है, खोलने के बाद गाड़ी जो है आपकी इजिली पार्क होगी। यहाँ पर दोनों साइड में आपको रैंप का वर्क मिल जाता है, इस साइड में भी रैंप का वर्क मिल जाता है आपको और इस साइड में भी आपको रैंप का वर्क मिल जाता है। और सेंटर में आपकी स्टेयर रहने वाली है जिससे कि आप सिंगल एंट्री करेंगे। व्हील आपकी जो है गाड़ी के ऐसे जब घुमाएंगे तो दोनों की साइड में आप जो है व्हील चढ़ाते हुए गाड़ी आप अपनी इजिली पार्क कर पाएंगे। बड़ा साइज़ आपका जो फ्रंट का रहने वाला है। इस पोर्शन में आपको जो है बैठने के लिए चौकी मिल जाती है, इस साइड में दिखाते हैं तो हम लोग, इस साइड में आपको काफ़ी बड़े साइज़ की चौकी मिल जाती है, पूरी चौकी बनी है जिस पर आपको प्रॉपर ग्रेनाइट का वर्क मिलने वाला है। पूरी फिनिशिंग आप देखेंगे हाउस की, वेल फिनिशिंग इंडिपेंडेंट हाउस आप जैसे कि ढूंढ रहे हैं तो ये हाउस दोस्तों आपके लिए ही होने वाला है। प्रॉपर यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आपको जो है टाइल वर्क मिलता है। डिजाइनिंग आप देखिए, फ्रंट पर जो है हमने इसकी जो है डिजाइनिंग की है, काफ़ी अच्छी खूबसूरत डिजाइनिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस साइड में आपका वॉशरूम आने वाला है और इस साइड में आप जो विंडो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक किचन नीचे के पोर्शन में रहने वाली है वन बेडरूम के साथ। फ्रंट साइड पे आपको डिजाइनिंग वर्क मिल जाता है। BSES राजधानी से आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलता है। मीटर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है, हमने जो अप्लाई किया था यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, मीटर आपको मिल जाता है। पानी की मैं फैसिलिटी की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का वाटर कनेक्शन आपको मिल जाएगा। सीवरेज ऑलरेडी यहाँ पर डले हुए हैं, सीवरेज कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नजर लगाइए तो सीवरेज आपको यहाँ पर ऑलरेडी डले हुए इस पोर्शन में मिल जाएंगे। सीवरेज भी मिल जाते हैं दोस्तों, पानी भी आपको दिल्ली जल बोर्ड का मीठा मिल जाता है दोस्तों। समरसेबल ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, वो सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी वीडियो के अंदर दिखाता रहता हूँ, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर इस इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। अब बात आई थी अंदर के पोर्शन की, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर का रूम, बेडरूम, आपकी किचन और वॉशरूम वो सब दिखाता हूँ, उसके बाद हम टूर करेंगे ऊपर वाली मंजिल का। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से आपको इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों दिखा देता हूँ। सो दोस्तों अभी एंट्री हो चुकी है घर के अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का पोर्शन जो हमारा रहने वाला है, जो ग्राउंड पर रहने वाला है जिसमें आपको पार्किंग मिलने वाली है। ये हमारी काफ़ी बड़ी साइज की पार्किंग रहने वाली है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि न्यूली बिल्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारे काम जो है यहाँ पर हो चुके हैं। अभी फर्नीचर का काम यहाँ पर चल रहा है जिसमें आपको जैसे कि टीवी पैनल आपको चाहिए तो वो लगा कर देंगे दोस्तों हम लोग, अलमीरा वगैरह वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, अलमीरा वगैरह हम लोग पूरी लगा कर देंगे। ये सारा फर्नीचर का काम वही हो रहा है जिसमें आपको ऊपर की साइड में भी बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे आपके जो है गारमेंट्स वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए, वो सब का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ को हम अलग करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी काफ़ी बड़ी साइज की पार्किंग रहने वाली है। पार्किंग देखिए वहाँ से लेके गेट पूरा यहाँ तक देखिए काफ़ी वाइड रहने वाला है ये एरिया, ये पूरा पार्किंग का एरिया रहने वाला है। और दिल्ली जल बोर्ड के जो वाटर कनेक्शन होंगे वो आपके यहाँ पर स्टेयर के नीचे इस पोर्शन में आ जाएंगे। समरसेबल आप देखिए कि यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है समरसेबल, समरसेबल आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाता है। टाइल वर्क प्रॉपर साइडों में आप देखिए प्रॉपर आपको टाइल वर्क यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाता है, टाइल वर्क प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। और उसके बाद हम आ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आते हैं, कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा सा आगे आइए, इस पोर्शन में हम लोग दिखाते हैं। तो ये आपकी किचन रहने वाली है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ऊपर का पोर्शन तैयार है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इस पोर्शन में आपको काफ़ी बड़े साइज़ की किचन मिलेगी जिसमें आयल कॉर्नर की किचन आपको देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रॉपर आपको मार्बल वर्क मिलेगा, टाइलिंग वर्क मिलेगा, पूरा मॉडुलर किचन आपको यहाँ पर मिलेंगे। नीचे की साइड में ऊपर सारे बॉक्सेज आपको लगा कर देंगे, चिमनी वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। इस साइड में हमारा रूम रहने वाला, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड, ये हमारा बैक साइड का गेट रहने वाला है। इस पोर्शन में ये बैक साइड का गेट हमें मिल जाता है, इस साइड में बैक साइड का गेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस पोर्शन में यहाँ से आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है, टाइल वर्क आपको प्रॉपर मिलेगा। और यहाँ पर जो आपकी पार्किंग रहने वाली है, पार्किंग के अंदर भी आपको प्रॉपर फॉल सीलिंग यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगी। देखिए प्रॉपर यहाँ पर LED और कोव लाइट का वर्क आपको इसके अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर आपको जो है कोव लाइट और LED का वर्क प्रॉपर कंप्लीट करवा कर देंगे। और जो आपका बैक साइड का गेट रहने वाला है वहाँ पर भी आपको एक सीधी लाइन में LED और कोव लाइट का वर्क उस पोर्शन में भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको LED और कोव लाइट का वर्क हम लोग अपनी तरफ से प्रॉपर करवा कर देंगे। अब देख लेते हैं हमारा बेडरूम, बेडरूम में आते हैं दोस्तों तो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको जो है यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का आपको यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है साइज़ चेक कर सकते हैं, साइज़ आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ का जो है ये रूम है, रूम की डायमेंशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, पूरे हाउस की डायमेंशन दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगी। विट्रीफाइड टाइल का वर्क आपको जो है प्रॉपर यहाँ पर हम अपना करवा कर दे रहे हैं, स्क्रैचलेस टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं प्रॉपर हम अपना यहाँ पर, हाई ग्लोसी टाइल वर्क आपको प्रॉपर यहाँ पर इसका क्लियर करवा कर दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। हाई ग्लोसी टाइल आपको मिल जाती है, टीवी पैनल आपको दोस्तों यहाँ पर लगा कर देंगे, वॉलपेपर जैसा आप चाहते हैं दोस्तों बुकलेट दे दूंगा, जैसा वॉलपेपर चाहते हैं वॉलपेपर के साथ आपको जो है एवरी रूम के अंदर वॉलपेपर के साथ पूरी डिजाइनिंग दोस्तों तैयार करवा कर दी जाएगी। अब वॉशरूम की बात कर लेते हैं कि हमारा वॉशरूम कहाँ रहने वाला है, ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो यहाँ पर वॉशरूम आपको अटैच मिल जाता है, देखिए इधर आइए थोड़ा सा, तो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का आपको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम का भी साइज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं दोस्तों,
काफी बड़े साइज का आपको बाथरूम मिल जाता है। टाइलिंग वर्क देखिए, प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग वर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है, पूरी एंड टू एंड टाइलिंग वर्क करवा के दे रहे हैं। सेंटर इसमें हाइट जो हमने जो है हाईलाइट टाइल्स यूज किए हैं, जिससे कि आपका जो है बाथरूम भी देखने में सुंदर लगे। और जो सैनिटरी फीचर्स होंगे वो सारे ब्रांडेड कंपनी के दोस्तों आपको लगा कर देंगे। टैप, टूटी, शावर, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। गीजर के पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो दी गई है, जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन इस पोर्शन में मिलने वाली है। इंग्लिश पॉट, इंडियन पॉट जैसी आप चाहते हैं दोस्तों, इस पोर्शन में इंग्लिश पॉट, इंडियन पॉट जैसे आप चाहते हैं वैसी पॉट आपको दोस्तों हम अपनी तरफ से लगा कर देंगे। अब इस रूम के अंदर भी आपको देखिए बालकनी मिल जाती है, यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है। तो ऊपर दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने जो है एक यूनिक स्टाइल में फॉल सीलिंग यहाँ पर तैयार की गई है। बहुत सुंदर डिजाइन देने का कोशिश हमने जो है यहाँ पर किया है। इसमें भी हम आपको एलईडी का वर्क देंगे दोस्तों प्रॉपर, और इसके अंदर भी आपको जो है कॉग लाइट का वर्क साइडों में दोस्तों देखने को मिलेगा। इसमें एलईडी अभी लगना बाकी है, एलईडी का कलर व्हाइट होगा और कॉग लाइट का कलर ब्लू और येलो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर वेल डिजाइनिंग के साथ जो है ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों तैयार किया जा रहा है। जितना खूबसूरत नीचे से रहने वाला है, नीचे के ग्राउंड के पोर्शन से, उतना ही खूबसूरत हाउस ये ऊपर के पोर्शन से देखने को मिलेगा। यहाँ से हम बाहर आते हैं इस पोर्शन में, तो मैं सबसे पहले बता दूं जो हमारी पार्किंग रहने वाली है। पार्किंग मैंने आपको बताया कि दिल्ली जल रोड का कनेक्शन तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको समरसिबल का कनेक्शन ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाता है। इस पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है समरसिबल का कनेक्शन ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाता है। फॉल सीलिंग भी मिल जाती है, टू साइड ओपन रहने वाला है, फुली वेंटिलेटेड हाउस ये रहने वाला है। मॉडुलर किचन मिल जाता है, बड़े बड़े रूम के साइज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सारा फर्नीचर का काम हो रहा है। स्टेयर जो आपकी रहने वाली है 3 फीट चौड़ी स्टेयर आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें प्रॉपर आपको जो है ग्रेनाइट का वर्क इस स्टेयर के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। और साइड में इसमें आपको जो है रेलिंग मिलेगी, जो कि SS की रहने वाली है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको लगा कर देंगे। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 5 फीट की हाइट तक आपको प्रॉपर टाइल वर्क ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर टाइल वर्क हर तरफ दोस्तों लगा कर दे रहे हैं। अब बात आई थी ऊपर की मंजिल की, फर्स्ट फ्लोर पर आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर आपका जो है 2 BHK रहने वाला है। एक लिविंग एरिया, 2 बेडरूम आपके मॉडुलर किचन आपको मिल जाता है। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको ये हाउस जल्दी से जल्दी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं पहली मंजिल पर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। यहाँ पर आपको 2 BHK मिल जाता है। प्रॉपर यहाँ पर भी आपको जो है विट्रीफाइड टाइल का वर्क दोस्तों, हाई ग्लोसी टाइल का वर्क यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग अपनी तरफ से प्रॉपर करवा कर दे रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो है पूरे हाउस का टूर अच्छे से करवाएं दोस्तों, बढ़िया मकान आपको दिखाएं दोस्तों। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे इंडिपेंडेंट हाउस अच्छे बजट के अंदर दिलवाएं दोस्तों। ये वीडियो भी दोस्तों आपके लिए खास ही है दोस्तों। ऐसे इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों बहुत कम देखने को मिलते हैं दिल्ली में, हमेशा लोग जो है इंडिपेंडेंट हाउस ढूंढते रहते हैं, बट अच्छे बजट के अंदर इंडिपेंडेंट हाउस बढ़िया सुंदर बने हुए बहुत ही कम देखने को दोस्तों मिल जाते हैं। वीडियो अगर आपके काम की है तो इसको फैमिली एंड जो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर शेयर करना, ताकि जिसका भी है अच्छा सुंदर इंडिपेंडेंट हाउस लेने का सपना जो है किसी का पूरा हो सके। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं, ये हमारी किचन रहने वाली है। ये जो है इंडिपेंडेंट हाउस ऑलमोस्ट रेडी है, बस यहाँ पर किचन का काम और फर्नीचर का काम होना पेंडिंग है। क्योंकि आप देख रहे हैं फर्नीचर का काम हो रहा है, किचन बननी शुरू हो जाएगी। नीचे की बॉक्स मिलेंगे आपको लगा के, ऊपर के बॉक्स में मिलेंगे, चिमनी लगाकर मिलेगी, वॉलपेपर्स वगैरह लगे हुए मिलेंगे, अलमीरा मिलेगी, सारी फैसिलिटी के साथ आपको जो है ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों हम लोग बनाकर देने वाले हैं दोस्तों। किचन एल कॉर्नर की रहने वाली है। इस साइड में आपका जो है सिंक आएगा बर्तन धोने के लिए, और टैब्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर पॉइंट आपका एक इस पोर्शन में आएगा, जहाँ पर आपकी स्लैब होगी, और एक पावर पॉइंट आपका इस पोर्शन में आएगी। इस पोर्शन में भी आपकी स्लैब एल कॉर्नर की रहने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, तो ऊपर यहाँ पर भी फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी दोस्तों, और यहाँ पर भी एलईडी और कॉबलेट का मिलेगा। और सामने जो है आपकी विंडो रहने वाली है, विंडो का वर्क उस पोर्शन में मिल जाएगा, जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर पास होने वाली है आपकी। ये हमारा लिविंग एरिया हो जाता है। इस पोर्शन में नज़र लगवाइए तो ये आपका बालकनी के साथ, बालकनी कम लिविंग एरिया आपको यहाँ पर इस पोर्शन में दोस्तों देखने को मिल जाता है। प्रॉपर वहाँ तक आपको विट्रीफाइड टाइल कवर, हाई ग्लोसी टाइल कवर यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना कोई सोफा सेट वगैरह, चेयर्स वगैरह लगा सकते हैं, अपना कोई जो डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता, आफ्टरनून में लंच, और इवनिंग में आप डिनर आराम से बैठ के यहाँ पर 4 से 5 बंदे कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात आती है बेडरूम की, तो मैं सबसे पहले आपको बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम देखिए, बेडरूम का साइज़ देखिए, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आपको बेडरूम मिल जाते हैं। क्योंकि जो बेडरूम हैं आगे की साइड के पूरे आपकी बालकनी के साथ कवरेज में बनाए गए हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। हमने पूरी कोशिश की है कि 50 गज के अंदर आपको जो है 70 गज का नक्शा बनाकर तैयार करके दोस्तों स्पेस के साथ, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ दिया जाए।
यहाँ पर भी आपको विट्रीफाइड टाइल कवर, हाई ग्लोसी टाइल कवर दोस्तों इसमें भी मिल जाता है फ्लोरिंग में। और यहाँ पर इस पोर्शन में हम आपको अलमीरा बनाकर देंगे। ये पोर्शन आप देख रहे हैं जैसे कि पिलर आ रहा है, तो इस पोर्शन में आपको अलमीरा, वुडन की अलमीरा जो यहाँ पर लगेगी वो आपको लगा कर देंगे। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है विंडो का वर्क मिलने वाला है जिसमें आपके दो पल्ले लगने वाले हैं, एक अंदर की साइड खुलेगा और एक बाहर की साइड में आपको जो है ग्लास के वर्क के साथ ये विंडो दोस्तों यहाँ पर लगा कर देंगे। विंडो एसी का प्रोविजन है, यहाँ पर आप अपना विंडो एसी भी लगा सकते हैं, विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल जाएगा दोस्तों। वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट प्रॉपर आपके इस रूम के अंदर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। इस साइड में हमारा टीवी पैनल आ जाएगा और इस साइड में आपके सारे पावर के स्विच नीचे के पोर्शन में, ऊपर की साइड में सारे आ जाएंगे जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके रूम की होगी वो कंट्रोल होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी फॉल सीलिंग की। देखिए बेहद खूबसूरत डिजाइन में आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग भी मिलेगी। फॉल सीलिंग एक यूनिक स्टाइल में यहाँ पर भी तैयार कर रहे हैं दोस्तों। इसमें भी आपको LED और कोब लाइट का वर्क दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो है कुछ लाइनेस वगैरह खींच रखी हैं। ब्लू लाइन आप अगर थोड़ा सा आगे करके दिखाइए, ब्लू लाइन हमने यहाँ पर खींच रखी है, शायद अगर वीडियो में भी शायद ना नजर आ रही हूँ, ब्लू कलर की लाइन हमने खींच रखी है। तो इस पोर्शन के अंदर हम जो है यहाँ पर LED कवर का आपको करवा कर देंगे। इसके अंदर आपको पूरी LED लगने मिलने वाली है और साइडों में अंदर की साइड में आपको यहाँ पर ब्लू एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में कोव लाइट लगी हुई मिलने वाली है दोस्तों। यह हो जाता है हमारा फ्रंट का पोर्शन, हमने आप देख लिया। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हमारे जो है लास्ट बेडरूम जो हमारा रहने वाला है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो हमारा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आ गए हम अपने कॉमन वॉशरूम में। ये हमारा सेकंड वॉशरूम रहने वाला है, एक ग्राउंड पे मिल जाता है, एक ऊपर के पोर्शन में। ये भी साइज काफी अच्छा रहने वाला है, डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। सेम आपको जो है एंड टू एंड टाइलिंग वर्क यहाँ पर क्रीम कलर के शेड में आपको जो है एंड टू एंड टाइलिंग वर्क यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। सामने विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन प्रॉपर आपकी जो है पास होने वाली है और इस पोर्शन में आपको हाईलाइट टाइल्स का वर्क दोस्तों देखने को मिल जाएगा। टैप टूटी शावर्स वगैरह वो सारे ब्रांडेड कंपनी के लगा कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से इंग्लिश इंडियन पॉट जैसे दोनों चाहते हैं वो आपकी मर्जी से दोस्तों हम लगा कर आपको देंगे। ऊपर की साइड में विंडो दी गई है तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो तो इस साइड में विंडो का वर्क दोस्तों आपको भी देखने को मिल जाता है। बात दोस्तों आ जाती है लास्ट बेडरूम की। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैंने आपको बैक साइड की गली नहीं दिखाई दोस्तों। बैक साइड की गली भी हम जो है लास्ट में देखेंगे और वहीं आपको जो है प्राइस भी बता देंगे। यहाँ से देखते हैं हमारा जो है लास्ट बेडरूम। देखिए अब इस बेडरूम की खासियत मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या दोस्तों। हाई ग्लोसी टाइल्स यहाँ पर भी लगी हुई मिलेगी दोस्तों। टीवी पैनल आप यहाँ पर इस पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एक बार कैमरा लगवाइए, इस पोर्शन में आपका टीवी पैनल आ जाएगा जिसमें हमने सेंटर में जो है पावर स्विच दिए गए हैं। तो यहाँ से आपके टीवी पैनल के अंदर ही आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी आपके टीवी तक इजीली पहुँच सकेगी। टीवी पैनल आपको विद ड्रॉर्स आपको जो है डबल हो या फिर ट्रिपल हो पूरा बनाकर तैयार करके दोस्तों यहाँ पर लगा कर देंगे। और इस पोर्शन में हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर हमने जो है सोचा है कि इस पोर्शन के अंदर तीन बॉक्सेज आपको ऑलरेडी लगा कर देंगे। एक दो तीन बॉक्सेस आपको यहाँ पर भी लगेंगे जिससे कि इस रूम के अंदर आपको अलमारी का काम ना पड़े। अगर आप चाहते हैं अलमारी तो उस रूम में हम आपको लगा कर दे रहे हैं और इस पोर्शन में हम अपने जो है तीन बॉक्सेस आपको लगा कर देंगे दोस्तों। कलर पेंटिंग होना भी बाकी है, पुट्टी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, पूरा मकान सूख चुका है। अब यहाँ पर पेंटिंग होना बाकी है। वॉलपेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी मर्जी से वॉलपेपर हम लोग लगवा कर देंगे। मैं एक बुकलेट आपको दे दूंगा, जोन सा भी वॉलपेपर आप सेलेक्ट करेंगे चाहे वो कॉस्टली हो चाहे फिर वो कोई सस्ता वॉलपेपर हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा वॉलपेपर दोस्तों आपको लगाकर इस रूम के अंदर देंगे। फॉल सीलिंग देखिए तो स्नेक टाइप में आपको जो है यहाँ पर फॉल सीलिंग तैयार करके दोस्तों दी जाती है। इसमें भी आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइनें हमने जो खींच रखी हैं, थोड़ा सा जूम करके आगे करके दिखाइए तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइनें हमने खींच रखी हैं। इस लाइन के अंदर आपको जो है हम प्रॉपर LED कवर दोस्तों करवा कर देंगे और साइडों में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है LED कवर के साथ कोव लाइट कवर दोस्तों यहाँ पर कोव लाइट ब्लू और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में कोव लाइट कवर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। रूफ का पोर्शन आप देख ही चुके हैं, प्रॉपर रूफ के ऊपर आपको जो है टाइल वर्क करवा कर दे रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों ग्राउंड पोर्शन पे चलते हैं और बैक साइड का पोर्शन गली कैसी रहने वाली है वो गली आपको दिखाते हैं क्योंकि टू साइड ओपन हमारा ये इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है, फुली वेंटिलेटेड आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों 50 गज में बना हुआ बड़े फ्रंट के साथ और अच्छी खासी लेंथ के साथ दोस्तों मोहन गार्डन दिल्ली की लोकेशन में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा मेट्रो से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करते हैं, खत्म करने का टाइम आता है, दिखाते हैं पीछे की गली और इसका जो है प्राइस वो भी रिवील कर देते हैं।
सो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम अपनी बैक साइड वाली गली में। मैंने कहा आपको बैक साइड की गली भी आपको दिखा दी जाए। दोस्तों ये हमारी जो है 10 फीट की गली आपको इस पोर्शन में मिल जाती है। दोस्तों दोनों साइड आपको गली मिल रही है, देखिए फुली वेंटिलेटेड इंडिपेंडेंट हाउस 50 गज का अच्छे खासे फ्रंट के साथ। इतना बड़ा फ्रंट है जो है 50 गज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट हाउस जो है बहुत महंगे महंगे जाते हैं, बट यहाँ पर फिर भी अंडर बजट आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऐसे ऐसे मकान जो है 70 लाख 75 लाख मेट्रो से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी जो है हमने तैयार की है जिनका प्राइस काफ़ी हाई रहता है। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि अंडर बजट भी आपको जो है अच्छे लंबे चौड़े मकान भी दोस्तों अच्छे बजट के अंदर 50 गज के दोस्तों बनाकर तैयार करके दें। ये आपकी जो है 10 फीट की गली आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम अपना जो है यहाँ पर आपको इसका फ्रंट दिखा देते हैं। तो ऊपर की साइड में देखिए, तो ये हमारा बैक साइड का फ्रंट रहने वाला है दोस्तों। बैक साइड का फ्रंट नहीं दोस्तों, बैक साइड रहने वाली है। माफ़ी चाहूँगा, कभी कभी जल्दबाजी में हम जो है दिखाने के लिए टाइम कम के अंदर आपको दिखाएं तो कभी कभी फ्लो में कुछ गलत भी निकल जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये बैक साइड में जिसमें प्रॉपर आपको जो प्लस्तर मिलने वाला है, यहाँ पर पूरी आपकी जो है पेंटिंग हो जाएगी, पूरी यहाँ पर सफ़ेदी वगैरह पूरी करवा कर देंगे। आयरन का आपको जो है MS का गेट आपकी काफ़ी हैवी यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों इस पोर्शन में देखिए, जो कि बैक साइड में आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा सुंदर बना हुआ आपका ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आपके बजट में दोस्तों पूरा प्रॉपर आपको करवा कर दे रहे हैं काम यहाँ पर वेल फिनिशिंग के साथ। आपका जो है ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों 50 गज का मोहन गार्डन दिल्ली की लोकेशन में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर बना हुआ ये इंडिपेंडेंट हाउस 50 गज में कार पार्किंग वाला रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल है दोस्तों। अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन करवा सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी दोस्तों। बहुत आसानी से आपका लोन भी हो जाएगा दोस्तों। गलियां भी आपकी जो बड़ी बड़ी रहने वाली है, मेन रोड आपके घर के साथ में रहने वाली है। दिल्ली के अंदर आपको मेट्रो से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको सारी फैसिलिटी के साथ। बेसिक एमिनिटीज हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज की हमने जो है बात नहीं करी। यहाँ पर हॉस्पिटल, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, वो सारी फैसिलिटीज आपके जो है 100 मीटर के दायरे में आ जाती है दोस्तों। प्राइस की बात करें, प्राइस जो है इसका 65 लाख रुपये रहने वाला है। 65 लाख में आपको इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों मिलेगा। कार पार्किंग के साथ ही हमारा इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है। डुप्लेक्स बना हुआ है, बेहद खूबसूरत आलीशान सुंदर बनाकर दोस्तों आपको दे रहे हैं। वेल डिजाइनिंग के साथ तैयार किया गया है। टू साइड ओपन है, जड़ से जो है छत तक आपका ये अपना इंडिपेंडेंट हाउस कार पार्किंग के साथ दोस्तों मोहन गार्डन दिल्ली की लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा, उत्तम नगर की लोकेशन में दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी दोस्तों। बिल्कुल भी देर न करें, जी हाँ बिल्कुल भी देर न करें, जल्द से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें और अपने घर आए प्रवेश की दोस्तों तैयारी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।